ना देख थ्योरी ना हूँ इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी एंड द मेन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी तार थिला लीस्ट कॉस्ट थ्योरी ना लीस्ट कॉस्ट वेबर रो हमें देखि पले कोन लीस्ट कॉस्ट थ्योरी और लीस्ट कॉस्ट थ्योरी रे हमें कोन देखि थिले लीस्ट कॉस्ट थ्योरी ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेबर कॉस्ट आइसोटोपिन क्रिटिकल आइसोटोपिन आइसोटिन कैलकुलेशन करथिले आउ कोन थिला मटेरियल इंडेक्स बा एमआई केमती भाग थिला टोटल इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट जदि मटेरियल इंडेक्स लेस देन वन हेला देन इट वुड बी क्लोज टू द मार्केट वन हेले कोठी भी हि परिबो और लेस देन वन हेले क्लोज टू मार्केट और मोर देन वन बा ग्रेटर देन वन हेले क्लोज टू द साइज देन सेटा लीनियर हि परे ट्रायंगल रे हि परे बा रेक्टेंगुलर बट साधारण तमे लीनियर एंड ट्रायंगल रे देखितले है ना लेबर फैक्टर को केमती डेविएशन होउची बा आइसोडेपेन रु क्रिटिकल आइसोडेपेन को केतले इंडस्ट्री जाउची एटा को मु तमको जो हमरो जटणी कथा नहीं कि बुझेली जो खोर्धा कथा कि मंचेश्वर आ जटणी भितर डिफरेंस तो सेटा कौन क्रिटिकल आइसोटोपन हो यहाँ हम तुम आइसोटोपन बुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये कम ये अधिक बट लेबर कॉस्ट बचीज लैंड रेंट बचीज रेंटा को सी नहीं बट आम रेंटा को भी नवा बट आम नवा ना ये कारण से देना बट जदि आम प्राक्टिकली देखा रेंटा को तो जीवन जीवन हाँ तो जहाँ तुमको सी शस्ता पड़ो ना ये महंगा पड़ो जाऊँच भी गोटे फैक्टर हम बट जदि सी कैलकुलेट करे बट आम भी लिखा भी दरकार ना बट तुम लिखिपर तो जब सपोज भुवनेश्वर तुम गोटे इंडस्ट्री करुच रेट अधिक तो हमी घर लैंड कॉस्ट ना हम जदि मुझ जटनी पलि दूर को पलिज अच्छा देख जी नुआ इंडस्ट्री खोलू भुवनेश्वर कौटी खोलूँ से जटनी ये सब दूर बाटर किपटे तुम टुआर्ड सिमुंडुली से जो गोटे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोली जो वाइस प्रेसिडेंट आसे जो कौन भारत मसला ना कौन जो नाई जो मुंडुली गला बाटर रईट सैड भारत मसला हाँ बड़ा से कौन फुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तार लिख फुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितने आसा ना लिख तुम फुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बुझे हल्दी जो लंका गुंड एगुड सब करते स्त्री लोक कम कर इवनिंग रे जीव थर देख पूरा लाइन है कि बाहर थे समस्ते से बस 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 हाँ भारत मसला करनी तो सही कौन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो ये भी लिखिपर ना तुम सिलेबस रही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो भुवनेश्वर 40 किलोमीटर भितर हेवी इंडस्ट्री हो पारना रेस्ट्रिक्टेड पल्यूशन हम बोली मना कराई केवल तुम लाइट इंडस्ट्री हो भुवनेश्वर 40 किलोमीटर भितर हेवी इंडस्ट्री हेवी जमी स्टील प्लांट होगा अधिक पल्यूशन करुच्छा थर्मल पावर प्लांट होगा आलुमिनियम होगा कि आयरन होगा एगुटा हो पारना मैंने कैपिटल को प्रोटेक्शन देवाई जहाँ भी हो तो बेसिक डिफरेंस हमें जब कि लॉस और वेबर भितर बेसिक डिफरेंस कौन ये बेसिक डिफरेंस जानले जान लें कहती कि भाव जस्ट इमाजिन करो वेबर प्रथम आसे इंडस्ट्रियल थ्योरी लोकेशन देते कौ बेसीस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेबर कॉस्ट बेसीस देते कि गोटे जिनस से कही ना कंजप्शन कंजप्शन क्या कहते कि से तो खाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आउ नहीं लेबर कॉस्ट तो लेबर कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अनुसार से कह इंडस्ट्री ये हम अच्छा ताहले मते कह सब इंडस्ट्री कहीं हैदराबाद बैंगलोर चेन्नई बड़ सिटी कहीं बास कंजप्शन दैट मीन आम कह वेबर आउ गोटे एंगेल रू कहे आपर जो एंगेल थिला अपार्ट फ्रॉम लेबर कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही एडेड टू मोर थिंग्स गोटे है तुम डिमांड एंड कंजप्शन डिमांड एंड कंजप्शन तो डिमांड जो मानते डिमांड बढ़े कंजप्शन बढ़ो कंजप्शन बढ़े प्रॉफिट बढ़ो ना बुझीपार डिमांड बढ़े कंजप्शन बढ़े प्रॉफिट बढ़ो टोटल प्रॉफिट बढ़ो हाँ प्रॉफिट रो मार्जिन कमी जाए पारे बट टोटल अमाउंट बढ़ी ना बुझा पड़ोनी अमाउंट बढ़ी दैट मीन्स आम कह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये बुझा पड़े सिंपल देख कारण से वेबर न पढ़ले आपको बुझीपरि
वेबर जी पढ़ी तार मॉडिफाइड वर्जन ये मुझे कही वेबर पचार रीजन कौन बिकज से पैरेंट तार मॉडिफाइड आईटा तो मुझे पचार ना आपको पचार ओबियसली ताको ही पचार हाँ लगातार दि वर्ष पचार देला आउ किछ नै एटा ही पचार आउ किछ पर आसुनी आसुनी किंतु बोर्ड ऊपर से बोर्ड ऊपर जो गारा गई रख दी जाय छी सेटा सर सर हम को रहा नहीं इसे दैट मींस आम वेबर आम डिफरेंस देखा कि डिमांड कंजप्शन प्रॉफिटेबिलिटी तो डिमांड जो बढ़ कंजप्शन बढ़ कंजप्शन बोले प्रॉफिट बढ़ो से थ्योरी ना दिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो देख ये कौन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी तांकर कौन था लिस्ट कॉस्ट थ्योरी दुटार डिफरेन्स बुझे तुमको एमती क्वेश्चन आगे आसो 100% किसी डाउट नहीं क्वेश्चन बनब कमी प्रथम डाविस एंड पेंग पेंग को क्रिटिकल पेंग को अमर तापर दीजर सिमिलारिटीज दीजर पर डिसिमिलारिटीज एमती क्वेश्चन आसो तो दिन आसो तुमको वेबर आउ लॉस रो सिमिलारिटीज पचार वेबर आर लॉस रो अपोजिशन बा डिसिमिलारिटीज कौन डिफरेंस कौन एमती आगे बनब तो आगुरी कहीं रेडी हम तुम ना बुझ ना मो कहते एमती क्वेश्चन आसो ना आसो और कमिटी आसो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आसो तमको देखा कि आपको भितरे डिफरेंस कौन यूनिकनेस कौन ना आम देखा डिफरेन्स हूँ ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से लिस्ट कॉस्ट तांकर थिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ध्यान से शुणी तांकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उपर ध्यान थिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उपर नहीं प्रॉफिट उपर ध्यान प्रॉफिट केमती हे ये कह कथा डिमांड कंजप्शन जो भी बढ़ो से प्रॉफिट हम ना हेबन ना बुझीपर बेसिक डिफरेन्स फ्रेस बुझा पड़ी ना देख क्रिटिसीजम हूँ आइसोट्रॉपिक प्लेन ना गोटे मार्केट कौन मार्केट गोटे रोज ना कौन वेबर को क्रिटिसाइज करके ये आसो बुझे भाव आर जी पॉइंट ना वेबर क्रिटिसीजम आम लिखी पार वेबर डिमांड को धरी ना वेबर प्रॉफिट को धरने एंड प्रॉफिट को धरने से खाली कहते कॉस्ट प्रोडक्शन प्रॉफिट कथा कही कि वेबर प्रॉफिट कथा कही ना ये कहे प्रॉफिट कथा ये कंजप्शन कथा डिमांड कथा ये कहते कि जोड़ा से कही ना अच्छा वेबर कथा भाव से कहे आइसोट्रॉपिक सरफेस कौटे देखा देखा कहते सिंगल मार्केट ये तो अजम्पन इमाजिनरी दुनिया में कौच गोटे मार्केट रारिपटे पूरा प्लेन एरिया रही से एरिया लोक से मार्केट को आसो आउ को मार्केट को जीवन एमती थोड़ी हम ये तो इमाजिनरी कौच तुम आउ गोटे मार्केट नथिबो केमिति ताले ये डुआल मार्केट कथा कह ना बुझा पड़ोनि से जोटा कहनी ये सहीटा कह आपको लगला ये तो डुआल मार्केट कथा कह ये डुआल मार्केट कथा कह आगे देखो सी कहने डिमांड कथा ये डिमांड कथा कहले कंजप्शन कथा कहते ये कंजप्शन कथा कहले बस खाली वैल्यू एडिशन है डिफरेंट मोड रे रिप्रेजेंट कर बुझिपार दैट मीनस ये आंकर ये टी मोर रियलिस्टिक तुमको लगे कि सीए न आसले ये आसी न था बुझिपार तो आज ये थोड़ी सूर्य कुमार जादव एबी डी विलियर को क्रॉस करियो एबी डी विलियर तो एबी डी विलियर ना बुझी पार नहीं तो सी तो थ्री मिस्टर 360 है बुझी पार मिस्टर क्रिकेट ये ताकू देखी की सीखी कि सी तो फादर ना पूरा बुझी पार नहीं ताले हम देखो दैट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट लिस्ट कॉस्ट नो एटा जानते कौन कहो क्या एमती क्वेश्चन आसो प्रिलिम रे कि आपको लिस्ट कॉस्ट तार लिस्ट कॉस्ट पचारे ये वर्ष किए जान ला आर वर्ष लॉस रे पचारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी बेस्ड ऑन लिस्ट कॉस्ट थ्योरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिमांड कंजप्शन तापर ए बी सी एमती कर दे परबो ना तो ताको लिस्ट कॉस्ट को हटेया पड़ो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमें नवा नहीं डिमांड सो बी फोकस मोर बुझी पार्छ नहीं फर एग्जाम्पल बालजात्रा पड़िया डिमांड बहुत कंजप्शन बहुत चाहे टाटा लाभ हो कि हजार लोक खाइब हजार टाँचा तो आट दि एंड टे प्रॉफिट अधिक अमाउंट अधिक प्रॉफिट रही स्क्वायर फिट बात के स्क्वायर फिट हजार टाँग ना के हजार ना बारह सौ स्क्वायर फिट खाली मैंने जो दुकान गोटे दुकान पर स्क्वायर फिट नहीं हजार टाँग ना के हाँ
मिनिमम 30,000 तले हम ही ना इनस्टल तो हम के टाँचा रेवेन्यू आसला गवर्नमेंट गवर्नमेंट को कते रेवेन्यू आस बुझ किसी ना सात दिन दस दिन एत टाँग आसला लोक हूँ मानते अधिक लोक ये लोक को डायवर्ट करने गोटे छोटे कर पैसा नौ दस टा मिनट कर ये केवे देते 1954 से 1909 अच्छा मत कह दैट मीन्स अंक थ्योरी क्या बेस्ड कर ये भी से क्यूआर ये भी से लोकेशनल एनालिसिस आसो ये भी से पॉजिटिविज्म थ्योरी फिलोसोफी ये भी पॉजिटिविज्म फिलोसोफी आसो ना आसोनी क्यूआर आसो लोकेशनल एनालिसिस सेम इंट्रोडक्शन बुझे बस खाली डिफरेन्स है कौन से लिस्ट कॉस्ट था दैट वाज वेबर था लिस्ट कॉस्ट ये होली डिस्कार्ड करदे ये कहला ना ना एमती हेनी अपोज कले सिना गोटे नुआटा आसो ये कहला ना ना लिस्ट कॉस्ट नुह डिमांड गोटे फैक्टर अच्छे आपको बुलेइंट सजेस्ट एट द मैक्सिमम जोटा कि अब्जेक्टिव रोक इंडिविजुआल एंटरप्रेन्योर कहे एंटरप्रेन्योर अब्जेक्टिव थाए प्रॉफिट लिस्ट कॉस्ट नुह लिस्ट कॉस्ट कौन लिस्ट कॉस्ट कहीं करने चेस्ट कर प्रॉफिट आट दि एंड आपको कौन दरकार प्रॉफिट लिस्ट कॉस्ट कौन लिस्ट कॉस्ट जी प्रॉफिट नाला बुझे आट दि एंड आपको प्रॉफिट ही दरकार से लिस्ट कॉस्ट हो जहाँ भी हो मत एंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बुझे मुझे करे एंड ऑब्जेक्टिव एंटरप्रेन्योर रहा प्रॉफिट बुझे ये भी डिफरेन्स बुझीपर दैट मीन्स आमको कौन कर क्यूआर लोकेशनल एनालिसिस पॉजिटिविज्म बुझे देन आसो तुम आपको से काउंटर कले के आसला 1950s कले क्यूआर टॉप स्टेज बा पीक स्टेज पूरा क्यूआर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन थर्ड फेज 45 टू आरंभ हो सेकंड वर्ल्ड वॉर पर पूरा पीक स्टेज रे आसुची बुझे पार्छ तो ये हो गला आए कौन डिस्कार्ड कला क्या वेबर को वेबर को अपोज कर गोटे नुआ थ्योरी दे जोटा कहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेस्ड ऑन कौन डिमांड कंजम्पशन प्रॉफिट ये आम देखा ये बुझी पार्छ जमी मुझे सेमती ऑर्डरली लिख ना तुमको लगे खाली वार्डस ही अच्छे आउ कि ना वार्डस नहीं टे डिटेल पढ़ी पढ़ के गले गोटे लाइन पर लाइन तुमको इजी हो तुम कि भूल ही ना ए पूरा पाराग्राफ हो मेजर ऑब्जेक्टिव कौन कौन सी गोटे इंडस्ट्री कि एंटरप्रेन्योर मेजर ऑब्जेक्टिव हूँ प्रॉफिट मेकिंग ताले ये कह मत कैपिटलिज्म को प्रमोट करुच्ची कि नहीं कैपिटलिज्म को प्रमोट करुच्च दैट मीन्स तुम्हें कह कि क्यूआर ये क्यूआर आसूल प्रॉफिट दैट मीन्स ये कौन कहते मैक्सिमम प्रॉफिट विल अकर कौटी देख अकॉर्डिंग टू लॉस इंडस्ट्री विल नॉट नेसेसरी बी लोकेटेड इन द लीस्ट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशनल लेबर रादर इट वुड बी बेस्ड ऑन वेयर मैक्सिमम प्रॉफिट ताको ऑब्जेक्ट करिवो ना ये कहले मैक्सिमम प्रॉफिट ताले केमती हबो ना सो इग्नोरिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेबर कॉस्ट एग्लोमरेशन ही एम्फाजाइज ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कौन कहले कहले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट टोटल कंजम्पशन कहले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल कंजम्पशन इज द मोर इम्पोर्टेंट दैट मीन्स टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट ही सजेस्टेड एज स्टेटेड टोटल कंजम्पशन इज इम्पोर्टेंट दिस इज स्टार मार्क जोटा मुझे कही टोटल कंजम्पशन आगुरी भी कही कंजम्पशन डिपेंड करुच्ची तेणु ये कहला ये कहे भाई मत से ट्रांसपोर्टेशन लेबर कॉस्ट ये सब छाड़ आ व्यतीत कौटी आम देख सुड वुड लोकेटेड इन द मैक्सिमम प्रॉफिट जोटी हम सही हवा दरकार मैक्सिमम प्रॉफिट कौटी हाँ जो टोटल कंजम्पशन हाई रही हाँ कि ना आई यूपीएससी कोचिंग सेन्टर सब डेली हाई कंजम्पशन रेट हाई पिला अधिक बुझे एग्लोमरेटेड तो आम कह दैट मीन तुम कौटी कर सी कौन हि एम्फाजाइज ऑन द मोर टोटल ऑन द व्हाट मोर ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एज ही स्टेटेड दैट टोटल कंजम्पशन इज मोर इम्पोर्टेंट हायर कंजम्पशन रेट ग्रेटर द प्रॉफिट ऑलरेडी मुझे कहीदी हायर द कंजम्पशन रेट ग्रेटर द प्रॉफिट कहे टोटल अमाउंट मुझे परसेंटेज क्या कहूँ टोटल अमाउंट मत दरकार बुझ पार्छ नहीं एबे केते इजी होउछ बुझि पड़छ निजो पूरा आराम से लिखि हेबो किछि दिक्कत नै इथरे
ना गोटे जिनस भाव तार्थ डिमांड कौटी अधिक हम जो जदि आम कह डिमांड क्या गोटे डिपेंड कर जदि प्राइस बढ़ीज डिमांड कमिज प्राइस कमे डिमांड बढ़ो दैट मीन गोटे पॉइंट थी जो डिमांड आ प्राइस मैच करुप नाव जनक पांच टाँचा अच्छे पेन कि से पांच टकर गोटे पेन कि तार डिमांड है वन पेन को से पांच टकरे कि तुम जो दस टाँह कह पेन कि किन पार नहीं मैच कर वन फाइव जो पेन रहा पांच टाँह से कि दी टाँह अधिक कि टाटा अधिक कि दैट मीन एंड पॉइंट हूँ पांच टाँचा पांच टाँग छः टाँह हम मैंने लस बुझे कहीं तापर परचेजिंग कैपेबिलिटी कमिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी जाए डिमांड कंजम्पशन रेट कमिज फॉल हो बुझे तेणु फॉर एग्जांपल गोटे कार कंपनी अच्छी भाव कार शोरूम भुवनेश्वर अच्छी जिते भुवनेश्वर दूर को जीव के लोक अच्छे जो कार कि कैपेसिटी कमी गोटे एंड पर लोक किणवे ही नहीं लोक बाइक को प्रिफर करेंटा क्रॉस मार्क होगा कि यापर कार एरिया फिनिश बाइक एरिया आस बुझे कारण से डिमांड करे डिमांड कंजम्पशन पर कैपिटल इनकम ये सब फैक्टर को लेकिन चले तो इनकेस अफ द इनकेस हि एम्फाजाइज मोस्ट ऑन द प्राइस रिडक्शन अफ द कमोडिटी एनी इनक्रीज इन द प्राइस कौन हम ऑटोमेटिकली कौन हो वॉल्यूम कंजम्पशन यदि डिक्रीजा बढ़ो इनक्रीज हेल्ले कम इनवर्स रिलेसन आ कौन जी प्राइस जोटा मुझे कहली प्राइस बढ़ले डिमांड कम प्राइस कमिले डिमांड बढ़ इनवर्स रिलेसन तेणु ये कह कथा ता अर्थ आम सिंपल मॉडल रे शिखी फॉर एग्जांपल एटी देखो एटा देखो एटा है तुम प्राइस एटा है डिमांड कंजम्पशन अर्थ कौन डिमांड जदि मु प्राइस टा आर रु पी को आणुची तले डिमांड टा देखो एन पाखे पहुंचुची ना बुझा पड़ोनी मुझे इफ आई डिक्रीज जदि डिक्रीज कली प्राइस को आर टू पी को आणली तले एटी डिमांड थिला नाउ डिमांड वुड बी हियर तले डिमांड एरिया बढ़ीगला प्राइस टा कमिला डिमांड टा बढ़ला ना बुझा पड़ोनी ए एक्सिस बुझा पड़ो है ना ये थिला तुम आर पाखे लेट्स से यहाँ थिला प्राइस वन पी वन एवं प्राइस को कमे के आनली पी पाक को प्राइस टू तले एपटे डिमांड टा तुम बढ़ जो इरेज कर दिए सो दैट देख आर थिला लेट्स से ओरिजिनल प्राइस प्राइस को डिक्रीज करके मु पी पाक को आनली एवं जो प्राइस थिला एठी डिमांड थिला एठी ना जो प्राइस कमी गला डिमांड बढ़ी गला एना एपट को डिमांड बढ़ुची प्राइस कमिले डिमांड बढ़ला तो इनवर्स रिलेशन प्रूफ हो गला तले डिमांड जो बढ़ प्रॉफिट अधिक हम ना बुझा पड़ो दैट मीन से अधिक प्रॉफिट कर रादर देन एठी प्रॉफिट कर जहाँ से वार्ड रे एक्सप्लेन कर देख इन दिस केस जोटा से कहे फॉलोइंग डायग्राम है लिखी कमोडिटी प्राइस ड्रॉप फ्रॉम आर टू पी आम देखे कंजप्शन बढ़ी गला एम टू एन कहीगला डिमांड हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट वेरिएबल्स डिमांड गोटे इंपोर्टेंट वेरिएबल्स डिमांड उपर डिपेंड कर प्रॉफिट सो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस थ्योरीज मोस्ट प्रॉफिटेबल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री एस्टैब्लिश बुझे लिस्ट कॉस्ट कौटी अधिक आम प्रॉफिट हम से आमको दरकार रादर देन कि लिस्ट कॉस्ट आ प्रॉफिट जदि दरकार आमको प्रॉफिट पई आमको दरकार कौन डिमांड और डिमांड डिपेंड करे प्राइस उपर ताले केमी जानवा कि कौ जगार ठीक अच्छे तो मतलब कहीदेल कि इंडस्ट्री मस्ट बी लोकेटेड इन द मैक्सिमम प्रॉफिट एरिया तेल मैक्सिमम प्रॉफिट एरिया को आइडेंटिफाई कमी करवा हाउ टू आइडेंटिफाई जहाँ को डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट एरिया सेड दैट कॉम्प्लेक्सिटी ये गोटे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत गुड़ा फैक्टर को लेकिन होता है जमीती फैक्ट दैट मोर देन वन ज्योग्राफिकल पॉइंट से कहते देख द कॉम्प्लेक्सिटी स्टीम from the fact that there is more than one geographical point where the total demand of a surrounding region is at maximum kale goti let's say ami kahiba bhubaneswar emiti nahi ki bhubaneswar sara kebal goti jagare demand adhika baki jagare demand kam emte nahi patia re bi demand adhika master canton re demand adhika bujhi parthani ki acha jibhari bi demand adhika
तो एमती ना कि गोटे एरिया केवल गोटे डिमांड पॉइंट थोड़ा बाकी एरिया नथिबो किंतु वेबर कौन कहते गोटे एरिया गोटे सहर रहा गोटे मार्केट बाकी कहीं नथिबो बुझे कि सो दैट मीन्स ये आम देखा तो सेपरेटली एवरी आम कह दैट मीन्स वेयर से कहे कौन सराउंडिंग रीजन में गोटे पॉइंट अधिक पॉइंट रही पारे जो टोटल डिमांड अधिक रही वी आर दस रिड्यूस टू डिटरमाइन द सेपरेटली एवरी कौन हो वन ऑफ द नंबर वर्चुअल फैक्टर लोकेशन एंड व्हाट अटेनेबल डिमांड एंड सिमिलर रीजन देख मार्केट प्राइस देखा द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट अटेनेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस पॉइंट कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कौन करवा फ्रॉम द कॉस्ट डिमांड कर्व एंड द प्लेस ताले आमे कौन करवा लेट्स से दी तीन टाइप लोकेशन अच्छी एमटीएम देखा फिगर टाक देखा अजम्पशन तापर फिगर को जीवा फिगरटा बुझे बुझीपर ये देख गोटे फिगर ना तुम प्रोडक्शन पॉइंट यहाँ डिमांड ना डिमांड धीरे धीरे कमी 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 चलिए यहाँ एंड पॉइंट आग को गले लॉस हो आगक से लोक सेल करना सपोज जन पेपर वाला से जी कह भुवनेश्वर पेपरटा हे मुझ पुरी जाए नहीं जी बांटापी लॉस हम से जीवन ना जो जाए देखिए तरह प्रॉफिट हे से जाए डिस्ट्रब्यूट कर ना करना दैट मीन जो प्रड्यूसरटा ये अच्छी है ये चाहिए ये जाए सर्व करने करना तर लॉस हो बुझ पार्टी दैट मीन लॉस हम कौन ना ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आड हो प्राइसटा बढ़ी जाए तो यही रिजन में देखा यहाँ डिमांड अधिक प्रॉफिट अधिक धीरे धीरे डिमांड कौन कम कम जी प्रॉफिट कमी कमी जी और ये रोज लिस्ट प्रॉफिट ये सब कम बट प्रॉफिट रोज सब कम ता आग को जो तुम जीव यहाँ लॉस मेकिंग होग को जीव ना कहीं डिमांड कमी कमी जी ए फिगर को एक्सप्लेन कर देख से कहे आजमसन देखिए यहाँ बुझा पड़ो तो ये देख पी आम कह प्रड्यूसर है ना पी इज ए प्रड्यूसर यहाँ तुम डिमांड कर्व जब देखो ये डिमांड कर्व ये जो लाइन टा डिमांड कर्व तो डिमांड कर्वटा जब देख धीरे धीरे ग्राजुआल हो ये बुझा पड़े डिमांड कर्व देख एक ये देख क्यू एंड एफ तेल क्यू एफ टा कौन डिमांड कर्व धीरे धीरे डिमांड कर्व डिमांडटा धीरे धीरे कौन हो कमी कमी जाऊँ है ना यहाँ तुम पी फॉर प्रोड्यूसर ये धीरे धीरे कमी कमी जाऊँ तो जिते तुम कमी कमी जाऊँ क्यू एफ डिमांड कर है ना प्राइस लाइन कंट्रोल जॉइंटली बाय द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड डिस्टेंस जोटा मुझे कहली कि डिस्टेंस बढ़ी बढ़ी जाऊँगी से लोक पेपर बिकापी जीव ना से देखा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ीजी जो जाए मुझेपर से जाए सपोज तुम कह जोमाटो गोटे रेस्टोरेंट कोरापुट रे बस कह आम भुवनेश्वर रेस्टोरेंट मत दे से कह जी ना लॉस हम जीवन जीव कि से कहीं आम मार्केट रेरी फेरी से ही लोकटा मानने सब दुकान रोटे पेरी फेरी था कि एरिया लोक ये दुकान को आसो तो आसब ना ना कारण कौन ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड डिस्टेंस बुझ पड़ी तो से मैटर करे तले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड डिस्टेंस भाव जने फॉर एग्जांपल जने तुम कह चंडीखोल आस भुवनेश्वर डेली पढ़ा वेस आस कोचिंग नबो नबो से घर भड़ा नहीं सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कमी सही पैसा टा से जो डेली जीवा से पैसा टा रेंट रे दबो किंतु टाइम टा बंचीगला एनर्जी बंचीगला बुझीप तो से कोचिंग नब एम कि नबन बट से रही नब तो डिस्टेंस कमीगला सेटलमेंट चेंज करदेला से बुझीपा बुझ ये भी सेमती जो कौन गोटे प्रडक्ट को बिका जाए जो से दुकाना थी आखपाख घर तो आगे आसो ना जिते दूर को जीव से लोकटा आउ गोटे कोई दुकान पल आख दुकान को छाड़ी दस किलोमीटर दूर जीव आने निज घर लोक चिन्ह भी जी से पलिस कह ना जा दरकार जी मीछा बुझे ना तो है
ये बुझिपार्थ केमती डिमांड कमुच कारण ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिस्टेंस को कैलकुलेशन कले टाइम जदि से फैक्टर नहीं नहांती बट टाइम टा वर्तमान दुनिया रे टाइम वैल्यू अधिक लोक कह 100 टका नहीं जाओ कि कह ना मुझे जीवन 100 टका दरकार जी नहीं जा पचे मत डाक ना पैसा दरकार किए देदेवि आज के लोक एमती कौन ना पैसा दरकार जी कह देदेवि मुझे टाइम बुझिपार्थ नहीं से बड़ बड़ जो मैंने 4 लाख लोक देख से पैसा देदेव कि सी टाइम देवन कहना से जानी टाइम रो वैल्यू अधिक रादर देन द मनी तेना टाइम दे मनी दे दि है तेरे धीरे धीरे कमी कमी जब गोटे पॉइंट थोड़ा जो भी न्यूट्रल थी आउ जीरो कौन हो जीरो जीरो जीव ही नहीं से लोक बिकाप से डिमांड धीरे धीरे कम है ना ना बुझा पड़े ना सो ये लिख वेन पी एफ पीएफ अर्थ बुझा पड़ो एटा कौन पी एफ इज टेकन एज अ मेजर अफ डिस्टान्स पी एफ टा कौन डिस्टान्स एंड रोटेटेड अराउंड ए पी ये जो पी चारिपटे बुले दे गोटे मार्केट हो सर्कुलर मार्केट टा कौन हो सर्कुलर एंड ना बुझीपड़ ये अरे यहाँ डिस्टान्स यहाँ डिमांड तुम यहाँ हूँ डिमांड ये अधिक डिमांड कमी कमी जा कारण डिस्टान्स एपटे बढ़ुची ना बोलो बुझ पछ डिस्टेंस बोले डिमांड डिस्टेंस पे बढ़ो छी और गलो कर प्राइस भी कमी कमी जाउ छी ना प्राइस प्राइस बढ़ियो ना बढ़ो छी कर डिस्टेंस प्राइस ता बढ़ियो ना प्राइस बढ़िले डिमांड कमीबो पा यस यस प्राइस बढ़िले डिमांड कमीबो नी की सेति पई एबे देखो एठी कोन भुवनेश्वर जो रेस्टोरेंट आ छी से त 10 मिनट रे पहुंचे देबो अच्छा कामन सर पी रूट एफ जो डिस्टेंस ना पी रूट एफ ट्रैवल कोला को तारो डिस्टेंस बढ़ियो छ प्राइस बढ़ियो तो कॉस्ट भी बढ़ियो नी ता से तो कॉस्ट लागबो नी तो कॉस्ट बढ़िले डिमांड कमी छी न त डिमांड बढ़िया को था यस सर त एठी डिमांड देखो हाई होछि धीरे धीरे डिमांड कम होछि डिमांड काई होछि डिस्टेंस एंड कॉस्ट मिसिबो ता दर कम हो डिमांड कमी जिवो कमी कमी गोटी जगह रे जीरो होबो तापर नेगेटिव होबो क्यू रो वैल्यू जोंति बढ़ो छ त रेट इज ट्रांसपोर्टेशन जिते बढ़ प्राइस टा कौन हम बढ़ो एंड डिमांड कम तो ये से कहते देख पी एफ इज टेकन एज अ डिस्टेंस अफ मेजर ये पी एफ टा एफ एटा पी डिस्टेंस अफ मेजर रोटेट कर चारिपटे से सर्कुलर मार्केट तामने एपटे जापटे जा सर्कुलर मार्केट इज फॉर्म बाउंडेड बाय द कौन फोकस पॉइंट कौटा एफ एफ टा ना फोकस पॉइंट तुम फोकस कौ जाए रोक एफ जाए सब ये गोटे पॉइंट कल एच तुम कौन ए पीटा कौन एच को फोकस कर लस कर कि कैनसल कर मोर एफ है फोकस पॉइंट मुझे जाए सप्लाई करी क्या से मोर प्रॉफिट आसूची बुझा पड़ोनि डन एवरीवन इफ वे द प्राइस बिकम टू हाई देख मु तुम कहली डिस्टेंस बढ़ुची प्राइस बढ़ुची तेल एफ रे कौन लिखाई है टू हाई तेल हाई हो गले डिमांड कमी प्रॉफिट कमी बुझा पड़ो बुझा पड़ी कि नहीं सो टोटल सेल कम बढ़ कम टोटाल सेलटा गिवेन एरिया कम एक मिनट टोटाल सेल देख बाय द वॉल्यूम ए जो कोनटा डेवलप है तुम रोटेशन कल सो यदि बाय द वॉल्यूम ऑफ द कोन प्रोड्यूस द रोटेशन पी क्यू एफ रोटेशन टाइम तो रोटेट कर ना तले रहा पी ऊपर रहा क्यू एटी रहा एफ एटा गोटे कौन आपको रोटेट कर बुझ पार फिगर तले सेटा है तुम डिस्टेंस बढ़ बढ़ धीरे धीरे आम कौन क्वांटिटी ये लिखा डिमांड ऑफ क्वांटिटी ड्रॉप ड्रास्टिकली बुझ सेकेंड फेज रे आम कौन कर देख ताहले एटा हला हमरो गोटे दुकान बा वन प्रोड्यूसर भाव गोटे ओडिशा बहुत बड़ एरिया प्लेन एरिया भाव कि ऑल ओवर ओडिशा देयर इज प्लेन 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 गोटे बिजनेस मैंने अच्छी से तर सेल करुच्चे डिस्टेंस जो बढ़ीज सेल गोटे आसबनी भाव बहुत बड़ मानते गोटे दुकानी भुवनेश्वर अच्छी इमाजिन कर भुवनेश्वर गोटे दुकानी तो से खंडगिरी यू एरिया दौर आउ गोटे दुकान अच्छे से कौटी ब्रह्मपुर अच्छी जो चिलिका सैडटा यहाँ भैकेंट पड़ा ना सी आपको सर्विस दे पार ना ये सर्विस दे पार से लोकटा कौन बिना सर्विस रही कारण कहीं दबनी क्या यहाँ भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जा
ତାପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ରହିଥିବ। ମଝି ଏରିଆଟା ଗ୍ରେ ଏରିଆ ହେଇଗଲା, ମଝି ଏରିଆରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଏଇଠି ବିଜନେସ୍ କରେ, କାରଣ କେହି ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରୁନି, ସେଇ ବିଜନେସ୍ କଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ କାହିଁକି ନେବ, କାରଣ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ଆଙ୍କ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍କୁ କେହି ନେବନି, ତାର ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍କୁ ସେଇଠିକାର ଲୋକ ନେବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯାଇକି ସେଠି ବିଜନେସ୍ କରିବ, ସେ ସେ ଏରିଆର ବେନିଫିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବୁଝିପାରେ କି ନାହିଁ। ବାସ୍ ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ କମିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆଟା ରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ରହିଲା, ସେଭରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖା ଯାଇଥିବ ଦ ଭର୍ଜିନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟିଭ୍ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ୱିଲ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗିଭେନ୍ ଏ ଲ୍ୟୁକ୍ରେଟିଭ୍ ଅପରେସନାଲ ଏରିଆ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ୱିଦିନ୍ ଦ ଭାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ଏରିଆ ସେଭରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ୱିଲ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ କେହି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମର ଭର୍ଜିନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ୱିଲ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗିଭ୍ ଏ ଲୁକ୍ରେଟିଭ୍ ଅପରେସନାଲ ଏରିଆ, ବଟ୍ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଦ ଗ୍ରୋଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫାର୍ମସ୍ ଟୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ଦ ଲାର୍ଜର ସେୟାର ଅଫ୍ ଦ କଷ୍ଟମର ଲାର୍ଜର ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି ସମ୍ ଭଏଡ୍ ଇନ୍ ଦ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଜୋନ୍। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ବରହମପୁର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ, ଚିଲିକା ଏରିଆ, ଏସବୁ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଭଏଡ୍ ଜୋନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଏଡ୍ ଜୋନ୍ କହିଲେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ମାର୍କେଟ, ସେଠି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା, ଯାହାକୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଜୋନ୍ ଆର୍ ଦ ଭଏଡ୍ ଜୋନ୍। ଭଏଡ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖାଲି ନା, ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, ସେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ, ମଝିରେ ଏଇଟା ଗ୍ରେ ଏରିଆ, ତ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟ କରିବା ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ନେବା ନା, ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଦୋ ଆମର ମାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭୟଡ୍ ରହିବ, ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରା ମଲିକୁଲାର ସ୍ପେସ୍, ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍, ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କଲ, କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବନି, ଇଣ୍ଟ୍ରା ମଲିକୁଲାର ଗ୍ୟାପ୍ ନଥାଏ, ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବନି, କେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରା ମଲିକୁଲାର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ସେମିତି ଦୁଇଟା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ। ଭାବ ଇଏ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟଟା ସବୁବେଳେ ସର୍କୁଲାର, ଆଜୁମ୍ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟକୁ ସେମ୍ 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 ସେମ୍, ତ ଏଇଟା ସର୍କୁଲାର ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଲୋକ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ରେଡିୟସ୍ ବୁଲେଇଥିଲେ ସର୍କୁଲାର ହେଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟଟା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ସର୍କୁଲାର କରିଦେଲି, ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଥିବନି, ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ନା, ଇଏ ଗ୍ୟାପ୍କୁ କିଏ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବ, ଇଏ ଗ୍ୟାପ୍କୁ କିଏ, ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ସବୁ ରାଉଣ୍ଡର ଜଏନିଂ ପଏଣ୍ଟର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ନା, ତା ଯେତେବେଳେ ଭଏଡ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେଠି ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆସିବ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଏରିଆଟା ଅନସର୍ଭ ରହିଯିବ, ଅନସର୍ଭ ତ ରହିବନି, ତାକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ଟିନ୍ସ ଏମିତି କହିବା, ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରା ମଲିକୁଲାର ସ୍ପେସ୍ ସର୍ଟନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନ୍ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ଅନସର୍ଭ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଅନସର୍ଭ ରହିଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଆସିବେ, ତାକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ପୋର୍ଲି ସର୍ଭ, ଦୋ ଦ ମାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫାର୍ମ ୱିଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସେମ୍କ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏରିଆ ଦ ସମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବଟ୍ ସମ୍ ରିଜନ୍ ୱୁଡ୍ ବି ଭଏଡ୍, କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ ନାହିଁ, ତ ସର୍କୁଲାର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ରହିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ, ତ ଇଏ ରହିବ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ହେଲା। ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହବ, ଏ ଦେଖ ଇଏ ଦେଖେ ଇଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯିବ, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା, ଏଇସବୁ ରିଜନ୍ରେ ଆସିକି ଆଉ ଜଣେ ଥାର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍। ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମାର୍କେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆରେ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ଟା ଖାଲି ରହିଲା ନା, ଇଦର୍ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲେୟାର ଆସିକି ମାର୍କେଟ କରିବ, ନହେଲେ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆହୁରି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସର୍ଭିସ୍ ତ ଦେବ ନା, କେହି ଚାହିଁବ କି ଏଇ ଲୋକଟା ଆମ ଦୋକାନକୁ ନ ଆସୁ, ଇଦର୍ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ, ନହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ଇଏ ତା ପାଖକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବ। ଏମିତି ବି ଗାଁରେ ଦେଖିବ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିବ, ସେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରୁନଥିବ, ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଦୁଇଟା ଦୋକାନ, ତିନିଟା ଦୋକାନ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଦୋକାନ ବଢ଼ୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଗାଁରେ ଦେଖିବ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ସେତିକି ସର୍ଭିସ୍ ସେ ଦେଇପାରୁନି, ବୁଝିବ, ତେଣୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସପ୍ ବଢ଼ୁଛି, ହଁ କି ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ଦୋକାନ ନଥିଲା ସେଠି ଆଜି ଦେଖିବ ଦୋକାନ ଅଛି, କାରଣ ସେଇଟା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଏଠି ଦୋକାନ ଦେଲେ ଚାଲିବ, ବୁଝିପାରୁଛ, ବାସ୍ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଚାଲିଛି ନା ଦୁନିଆ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏବେ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, କି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅଦର ପ୍ଲେୟାର୍ସ ବାହାରୁ ଆସିକି,
ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ, ବାବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ ବାକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବ ନା କରିବନି? ନା କରିବନି, କିଛି ଏରିଆ ତ କ୍ୟାପ୍ଚର୍, ଯେଉଁଟା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ନେବ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଏରିଆରୁ କିଛି କାଟିବ ସେ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ନା, ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍। ଇଏ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ମନୋପଲି କରୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ମନୋପଲି କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଥାର୍ଡ ପ୍ଲେୟର୍ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ସେ ଆଙ୍କ ଏରିଆକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କଲା, ସେ କିଛି ତା'ର ବି ମାର୍କେଟ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହେବ, ଆଙ୍କ ମାର୍କେଟ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତ ସେ କ'ଣ କଲା ସେ ଏରିଆ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଦୁଇପଟ ଏରିଆରେ କିଛି କାଟିଲା, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ୍ କ'ଣ ହେଲା ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଗଲା। ମାର୍କେଟ୍ ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ତାହେଲେ କେମିତି ସର୍କଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ? ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଚାହିଁବ ଦେବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଲସ୍ ହବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଦେବନି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ ବି ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଲସ୍ ହବ ନା, ତାର ତା ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବନି, ଚାହିଁଲେ ବି ଲସ୍ ହବ। ତ ଏବେ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କାହା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ଆମେ କହିଲ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଓରି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଓରି ଏମିତି ହେକ୍ସାଗନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏବେ ମାର୍କେଟ୍ଟା ହେକ୍ସାଗନ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ ଥିଲା ଏ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଡାର୍କିନ୍ କରିଛି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲସ୍ ୱେନ୍ ମେନି ଏରିଆଜ୍ ପୋଜିସନ୍ ସେଭରାଲ୍ ହେକ୍ସାଗନ୍ ଲାଇନ୍ ଅପନ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଆଣ୍ଡ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସର୍କୁଲାର ସେଣ୍ଟର ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ସିଟି ଗ୍ରୋଥ। ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଏ ଦୁଇଟା ମାର୍କେଟ ଏଠି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଏଠି ତିନିଟା ହେଲା, ଫିର୍ ବି ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଭାବ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ମୁଁ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ଏରିଆ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା, ଆ ସହିତ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା, ଆ ସହିତ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ନା ହେଉନି, ତା ସେ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ମଝି ଗୋଟେ ଏମିତି ସେଠି ଗାର ଟାଣିଦେବି ମୁଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ସେପରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଏଠି ବି ଗାର ଟାଣି ସେପରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ହେଉଛି ଗାର ଟାଣି, ତ ଏମିତି ହେକ୍ସାଗନ୍ ହେଇଯିବ ନା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି? ତା ହେକ୍ସାଗନ୍ ତୁମକୁ ହେକ୍ସାଗନ୍ କାହିଁ ନେଉଛି, ଅକ୍ଟାଗନ୍ କାହିଁ ନେଉନି, ଏଥିପାଇଁ ହେକ୍ସାଗନ୍ ହେଉଛି ନିୟରେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସର୍କଲ୍, ସର୍କଲ୍ର ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହେକ୍ସାଗନ୍, ସେଥିପାଇଁ ହେକ୍ସାଗନ୍ ନିଆହେବ। ହେକ୍ସାଗନ୍ କହିଲେ ଛଅଟା, ତାର ଆଠଟା ଅକ୍ଟାଗନ୍, ଇଏ ପୁରା ଯଦି ଆମେ ସର୍କଲ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ କଲେ ଆସିକି ମଝିରୁ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବି, ଏହାର ଏରିଆ ଆର, ଏପଟ ଏରିଆ ତାର, ଆଉ କାହା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବନି, କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବନି। ଏଇଟା ଏପଟେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଏପଟୁ ବି ଏମିତି କାଟିଦେବା, ଏପଟୁ ବି ଏମିତି କାଟିଦେବା, ଏପଟୁ ବି କାଟିଦେବା, ଏପଟୁ ବି କାଟିଦେବା, ଏପଟୁ କାଟିଦେବା, ହେକ୍ସାଗନ୍ ହେଇଗଲା ନା ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ହେବ ନା ଚାରିପଟୁ। ତ ହେକ୍ସାଗନ୍ ଫର୍ମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେକ୍ସାଗନ୍ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍, ନହେଲେ ତ ହେବନି, ନହେଲେ ତ ମାର୍କେଟ୍ ସର୍କୁଲାର ରହିବ ନା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, ନହେଲେ ମାର୍କେଟ୍ ସର୍କୁଲାର ରହିବ, ତାହେଲେ ହେକ୍ସାଗନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେଇଟା ହାଇୟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କହିଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ପୁରା ହାଇଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେକ୍ସାଗନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତମ ମାର୍କେଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେୟର୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହେକ୍ସାଗନ୍ ହେବ, ନହେଲେ ସର୍କୁଲାର ରହିବ, ଡମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କେବେ ହେକ୍ସାଗନ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ରିଜନ୍ ହେକ୍ସାଗନ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଟପ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିବ ସେତେବେଳେ ହେକ୍ସାଗନ୍ ହେବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ହେବ? ଦେଖିବ ତମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଧନୀ ଥିଲା ସବୁଠୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନଥିବ, ପକ୍କା ନଥିବ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପକ୍କା ହେଇଥିବ, କାରଣ ତା ଏରିଆ କମିଛି, ସ୍ପିୟର୍ କମିଯିବ, ବିଜନେସ୍ ସ୍ପିୟର୍ କମିଯିବ, ଆଉ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆସିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିୟର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ କହିବା ପପୁଲେସନ୍ ଯଦି ନ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ନା, ସେ ଲୋକ ଡମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତା, ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ମାର୍କେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ଆସିଲେ, ସବୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଦେଲେ, ଏବେ ରିସୋର୍ସଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ତମେ ଭାବ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ ପାଖରେ ୱେଲ୍ଥ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ରେ ଆଭରେଜ୍ ଲୋକ ଆଭରେଜ୍ ଇନକମ୍ଟା ଅଧିକ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ୍ ଲାର୍ଜର୍ ଦେନ୍ ଅସ୍, ମାର୍କେଟ୍ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଇନକମ୍ ବଢି ବଢ଼ିଯିବ, ଇନକମ୍ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ସେତେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଧିକ, ମାର୍କେଟ୍ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ଜଣେ ଲୋକ ଡମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଇଂ ଷ୍ଟେଜ୍ର ନା, ଜଣେ ଲୋକ ଡମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବ ପେରି ଫେରିକି, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ ତା'ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଲାନ୍ସ ହେବ,
ସେଥିପାଇଁ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ରହିବାଟା କମ୍ପଲସରି, ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହବ ହିଁ ହବ, କିଛି କରିପାରିବ ଚାହିଁଲେ ବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ତାପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ ସୋସାଇଟିରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ସର୍କଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଓଭରଲାପ୍, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେକ୍ସାଗନ୍। ହେକ୍ସାଗନ୍ ଆଉ ହେକ୍ସାଗନ୍ କେତେବେଳେ ହେବ, ମୁଁ କହିଲି ହାଇଲି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପୁରା ଅର୍ବାନାଇଜ୍ ସୋସାଇଟି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ବାନାଇଜ୍ ସୋସାଇଟି ହେଲେ ହେକ୍ସାଗନ୍ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହେକ୍ସାଗନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଓଭରଲାପ୍ କରିବ, କ'ଣ ଇଣ୍ଟରମଲିକୁଲାର ସ୍ପେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ସ୍ପେସ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ନ୍ୟାରୋ ହେବ, ଓଭରଲାପ୍ ହେଇକି ହେକ୍ସାଗନ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି କହୁଛି ଫଲ୍ ଦ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ ଏରିଆଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଏରିଆକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବ, ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଏରିଆକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବ, ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ କରିବ, ଚାରିପଟ ସାଇଡ୍ ହେଇପାରେ, ପାଞ୍ଚପଟ ସାଇଡ୍ ହେଇପାରେ, ବାସ୍ ତାପରେ ହେକ୍ସାଗନ୍। ଦ ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମ ସେଟ୍ଅପ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ଭ୍ୟାକୁମ୍ ହିଣ୍ଟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଲିଅର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିକମ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ତାର ଏରିଆ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଗଲା। ଦ ରିଡକ୍ସନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଏରିଆ ରିଜଲ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଡିସ୍ରପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ସର୍କୁଲାର ପାଟର୍ନ, ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିଥିଲି ତା ଏରିଆକୁ ଇଏ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଦେବ, ତ ସର୍କୁଲାର ପାଟର୍ନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ସର୍କୁଲାର ପାଟର୍ନରୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ହେକ୍ସାଗୋନାଲ୍ ସେପ୍। ତାହେଲେ ସର୍କୁଲାର ପାଟର୍ନ କେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଥିବ, ବହୁତ ସାରା ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍, ବହୁତ ସାରା ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍। ହଁ କି ନାହିଁ, ତ ଇଏ ଥିଲା ମେଟ୍ରୋ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ସିଟି ହେଇଯିବ, ବାସ୍ ଇଏ ଥିଲା ପୁରା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଟି ରହିବ, ଆଉ ରହିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିବ ମେଜ ସେଣ୍ଟରଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ ଇଏ ରହିଲା, ସୋ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଏସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯିବ ନିୟରେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ, ଓଭିଅସ୍ଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ୱିଲ୍ ମିନିମାଇଜ୍, ଯେଉଁଠି ପାଖରେ ସବୁ ମିଳିବ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଭାବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ହାଟ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଖରେ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଭାବ ସେ ସୁନ୍ଦର ପଦାରେ ଅଛି ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯିଏ ସିଟିର ହାଟ୍ରେ ରହିବ, ହାଟ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟ ତା'ର ପର୍ଚେଜିଂ ପାୱାର ଅଧିକ ହେଲା। ତେଣୁ ଇନ୍ ଅଦର ୱେ ଆମେ କହିବା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଜ୍ ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ବାଇ ଲସ୍ ଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଫିଗର୍ଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏକ ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ, ହେନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ର ମେଟେରିଆଲ୍, ଏ ତ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଆଖପାଖରୁ। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଆସିଯିବ, ମାର୍କେଟ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଆସିଯିବ, ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କେହି କାହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଡମିନେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଲସ୍ ହାୱେଭର୍ ହିମସେଲ୍ଫ ହିଣ୍ଟେଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଡେଭିଏସନ୍ ଅଫ୍ ହିସ୍ ଥିଓରି ଇନ୍ ସମ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖାନି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ କନ୍ସେପ୍ସନ୍, ୱେନ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ କମୋଡିଟି ଅଫ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫାର୍ମ ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡିକ୍ରିଜେସ୍, ଆଉ ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦ ଏରିଆ ଇଜ୍ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ଡ ବାଇ ଆଡ଼ଜସେଣ୍ଟ ଫାର୍ମ, ତାକୁ ହେନା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବଢ଼ିଯିବ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଏରିଆ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଚେଞ୍ଜ ହେବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି, ଯାହାକୁ ସେ ଏଇଠି ଦେଖେଇଛି। କେମିତି ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ମାର୍କେଟ୍ ଏ, ହେଲା ମାର୍କେଟ୍ ବି, ଅର୍ ଲେଟ୍ସ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବି, ମାର୍କେଟ୍ ଏ ମାର୍କେଟ୍ ବି। ଭାବ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ଆର୍ ଇଏ ହେଲା ବି, ବିର ଯେତେବେଳେ ଏରିଆ ଏତିକି ଥିଲା, ଡି ଯାଇଥିଲା ଡି ୱାନ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା ଡି ଟୁ, ନା ସେତେବେଳେ ଆର୍ ଏରିଆ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆର୍ ଏରିଆ ସି ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଏବେ ସି ୱାନ୍, ଏହାର ଏରିଆ କମିଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଆର୍ ଏରିଆ କମିବ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ଦିଅ, ଲେଟ୍ସ ସେ ଏଇଟା ହେଲା ମାର୍କେଟ୍ ଏ, ଦିସ୍ ୱୁଡ୍ ବି ମାର୍କେଟ୍ ବି, ମାର୍କେଟ୍ଟା ସର୍କୁଲାର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଓଭରଲାପ୍ ହେଇଛି, ଓଭରଲାପ୍ ହେଇଛି ଏଇଆ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଡି ଫର୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ଡିମାଣ୍ଡ ଏ, ଡିମାଣ୍ଡ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ସି, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଇସ୍
price 1 and C and C1 etala P and P1 kali jo amaro producer okay au ye hela demand that means etala taro end etala market area ro end epote market area D1 epote M ba C ko ame nei jo eta producer cost baba ethi jane producer achi এটা কোন দেখা হচ্ছে দেখো হাইয়েস্ট প্রাইস এটা হাইয়েস্ট প্রাইস এটা হলো হাইয়েস্ট প্রাইস এটা হলো তোমার কস্ট অফ প্রোডাকশন এটা হলো গ্যাপ অফ প্রফিটিং এই যে গ্যাপ হলো প্রফিট এটা দেখো এটা হলো তোমার কস্ট অফ প্রোডাকশন তলে আছে প্রাইস আছে এদিকে তাহলে প্রফিট অধিক তাহলে কস্ট অফ প্রোডাকশন বড় 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 যাচ্ছে গ্যাপ কম কম যাচ্ছে প্রফিট কম কম যাচ্ছে না বুঝা পড়ল না যেতে স্পেস না রাখো প্রফিট কম কম এটি জিরো হয়ে গেল ये जो है ईट फिगर देख प्रथम जो पी वन पी टू कहे प्राइस पी फर प्राइस आला डिमांड डी वन एंड डी टू दिज आर डिमांड प्राइस एंड डिमांड तो ये प्राइस देख प्राइस जो पी वन ये तुम मेन्टेन रही ये जो तुम पी टू को जाऊ ये सी वन हो प्राइस बढ़ी गला डिमांड कमी गला जो प्राइस था पी वन डिमांड था ना बुझा पड़ी जितने प्राइस ऊपर को बढ़ी गला डी टू को पड़े सला डिमांड तो कमी गला डी टू को पड़े सला प्राइस जितने ऊपर रहा था डी वन थिला ना बुझा पड़ी बुझ पड़ सकनी एबे ताको एठी देखो एक्सप्लेन करी छी एरिया ए एंड बी दीटा मार्केट कहि छी हेक्सागोनल मार्केट रहबो डेवलप्ड हेक्सागोनल त हमें पढ़ी छी हेला बाउंड्री लाइन डॉटेड गुडा हला तोर बाउंड्री लाइन दी जण करो एबे हम ताको देखिबा एसे कोन को देखो जब जी द क्रॉस्ड एरिया ऑफ द प्रोडक्शन है ना से कहते पी एंड क्यू दिज आर ये दीटा कौन टू प्रड्यूसिंग एंड दिज आर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पी एंड क्यू जो पी वन नहीं पी एंड पी वन ऊपर पी वन तो पी नब ना बुझा पड़ोन आउ थे देखे दौर ये देख ये पी वन पी टू ये मार्केट पी वन पी टू क्यू एंड क्यू वन रुझा पड़ो ना ना आउ थे देखी अच्छा प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पी टू एटा क्यू और क्यूटा देटा क्यू वन ये लिखीदे मुझे क्यू वन है ठीक अच्छे सीटा है तुम एवं ध्यान से देख ताल से कौन ए है मार्केट बी भी गोटे मार्केट ये किसी जिनस प्रडक्शन हो रहा पी वन कस्ट प्राइस पी वन पी टू जिते पी टू को जाऊँ प्राइसटा बढ़ी जाऊँगी डिमांडा डी टू को पड़ेगा डिमांड एरिया कमी आगे डिमांड एरिया एटी डिमांड एरिया कमी गला ना बुझा पड़ोन प्राइस बढ़ला डिमांड कमी से कौन ए एंड बी टू मार्केट प्लेसेस पी एंड क्यू आर द प्राइसेस ताले सी पी सी पी डी वन मार्केट बाउंड्री केमती आपको ड्रॉ करिबा सी पी डी वन एपटे डी वन तापर डी टू हबो एपटे सी एंड सी वन हबो एटा हला मार्केट बाउंड्री ताले मार्केट बाउंड्री टा केमती होची ये जेमती ताको जदि आमे उल्टे देबा एमती हबो केमती हबो मार्केट बाउंड्रीटा तले तापर होची क्यू ई क्यू डी एडा खार तारो बी पई एटा बी पई ना एटा क्यू टा का पई बी दीटा प्लेस होची ना गोटे ए गोटे बी आरो गोटे तले एटा ता पई एटा आ पई है ना न बुझे गोटो तापर से होची आर द प्रोडक्शन कॉस्ट एम बट व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस टू पी2 जोडा मु तुमको कहली तले मार्केट एरिया कमी जीवो मार्केट एरिया कमी जीवो आ सेटा मार्केट एरिया टा कोठी गेस बेबे ताले सी1 सी2 पी2 डी2 हां सी1 बी2 से इमेज करते हेड देखो सी1 पी2 डी2 ना बने बे अरे कौन है गला हेड देखो सी वन को आसा ना प्रथम पी टू तो सी वन पी टू डी टू ना बनी बढ़ी गला मार्केट एरिया कमी गला ये देख एटी थी एमती थी एमती है कमी गला ना एरिया कम ना एरिया अधिक ना
बुझिपार नहीं बास ताले कौन ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ीगला एरिया तुम घटेगला द प्रोडक्शन कॉस्ट द प्रोडक्ट ऑफ ए बिकम अट्रैक्टिव बिफोर द मार्केट बाउंड्रीज रिड्यूस पूर्वर ता पूर्व अधिक था फॉलोइंग द रिडक्शन ऑफ द मार्केट एरिया हम कह बी एडवांसेस नतर ए र प्राइस बढ़ीगला बी एडवांस कर दबो बी एडवांस कर या एरिया को पले सको हां यार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलले बी तर एरिया मार्केट बढ़ीगला हां के नहीं तर बस सेम जिनस से को जी एबे बुझि परियो त खत्म तापर मेरिट्स सेटा को से डायग्राम रे बुझे छी हाँ तो खाली तो दीटा डायग्राम एक्सप्लेन करना चाहिए थ्योरी कौन है कोई बताया की फील होती है सुधर देखो ची सासी के साथ बहुत ही कॉरी करी हो कि नहीं सेटा डाउट लग चुका है बस तो उनको डाउट की कर चुके हैं डायग्राम ये डायग्राम मैंने पढ़ी हुई नहीं एग्जाम में मानो के था सर आठ वर्ष से इंजीनियरिंग के सरोनेंस पावर प्लांट ये मने पड़ी बनी छत्ती भाई ये डायग्राम को रिवाइज करी जो आपको एग्जाम पूर्व को शॉर्ट नोट तो बनेबो ये डायग्राम टू देखि दे जो टाइप किचे नले डायग्राम मने पड़ो ताको देख की लिख दी पड़े सब ए डाला मार्केट बी डाला कॉस्ट ऑफ प्राइस पी1 अर्लियर पी2 परे सपोर्ट सी सपोर्ट बाउंड्री एपोर्ट बाउंड्री डी1 एपोर्ट डी2 सपोर्ट सी2 कमी गला ये जो डी टू पलिस जो गैप टा क्रिएट होला तुम जो डी वन रु डी टू को आसुच छाड़ी की मार्केट तुम कमी गला ता एरिया बढ़ी गला ता एरिया टा डी टू को आसला तुम कॉस्ट ऑफ प्राइस बढ़ी ला कमी ला से कैप्चर कला ना बुझा पड़ गया अरे इटा अब शेयर कर दे ऐप रे अब देबी नहीं की दीटा डायग्राम को बस खत्म हो आउ एथरे अंकर बुझिया थी एबे आजम्पशन को हमें जीवा मेन कांसेप्ट थाथला हम सार दिचो किछ नै एथरे एडा को ए डायग्राम तो बुझि परिबो अरे सेटा भी किछ असुविधा नै कोन असुविधा छै एथरे ना सर सेटा इक्के दिमाग लगे को सीटी देखियो ना सर बिजु पी पी1 के टू सी1 सी2 का दूसरा जाने को क्या पर इंजो Now, P1 is the cost of production of the price. P2 is the next price. Same thing, R of Q and Q1. It will be Q and Q1. Now, let's say it could be C. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने के लिए 5 टका पी पहले प्रोडक्शन कॉस्ट 5 टका
ଏବେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯଦି କମ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଅଧିକ ରହିବନି ସୋ ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ମାର୍କେଟ ଉଡ୍ ବି ହିୟର୍ ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ମାର୍କେଟ ଉଡ୍ ବି ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ହିୟର୍ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଏରିଆ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ଏରିଆଟା ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦିଅ ଫିଗର୍ଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅ ଫିଗର୍ଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା ଫିଗର୍ଟାକୁ ଯଦି ଓଲଟେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ସି ଏଇଟା ରହିବ ଡି ୱାନ୍ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ହୋଲ୍ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱେନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ପି ଦ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଇଜ୍ ସି ପି ଆଣ୍ଡ ଡି ୱାନ୍ ୟାର ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଏଠି ଥିଲା ମାର୍କେଟ ଏଠିକୁ ଆସିଲା ଇଏ କ୍ୟାପଚର କରିବ ନା ଆର ମାର୍କେଟ କୁଆଡେ ଗଲା ବାସ୍ ଏବେ ଆର ଯେତିକି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଲେଟ୍ ସେ ଆର ମାର୍କେଟ ଏଇ ଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଡି ୱାନ୍ ଥିଲା ଆର ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ରହିବ ୟା ମାର୍କେଟ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଆ ମାର୍କେଟ ଏଇ ଯାଏ ଆସିଯିବ ଆର ଡି ୱାନ୍ ଡି ଟୁ ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ବଟ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଅଫ୍ B increases from D1 to D2. R increase hala. Bujhu bata sir ye jo market area increase hobo B etara production cost kon kome ki increase karibo na main tar price ta constant aro constant rakho tar badhi gala aku constant rakho na 5 rakho aro 5 thila ଆର ଯେତିକି ରହିବ ତାର ସେତିକି ଥିଲା ୟାର ଯେତେବେଳେ ସେଭେନ ହେଇଗଲା ୟାର ଫାଇଭ ଟା ଏଇଠି ଆସିଯିବ ନା କ୍ୟାପଚର କରିବ ସେ ବସ୍ ଏଇଟା ତ ସେ ଫିଗର କହିଛି ଆଉ କ'ଣଟା ଅଛି କି ଫିଗର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହେଇଯିବ ତ ଆରେ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ନ ପଢ଼ିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝିପାରିବନି ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିବନି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି ପଶିବନି ତମକୁ ଲାଗି ଦେଖିବ ଯେ ପଶିବନି କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଇଏ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ତ କମ୍ପଲସରି ଆସିବ ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଲସ୍ ଆସିବ ନହେଲେ ୱେବର୍ ଆସିବ ଖାଲି ଲସ୍ ଖାଲି ୱେବର୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲସ୍ ଆଜି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ନା ହେଇପାରିବନି ଏବେ ହେଇପାରିବ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ ତ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅପ୍ସନାଲ କାହିଁକି 3.5 ମାସ ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ ତମକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେଟ୍ ଯଦି କରିଦେଲେ ସରିଗଲା 4 ମାସ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି 4 ମାସରେ ତମେ ଭାବ କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି 4 ମାସରେ ଯଦି କହିବ 15,000-10,000 ଅପ୍ସନାଲ ପଢ଼ କ'ଣଟା ହବ ଆଉ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ହଁ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଗୋଟେ ଦିନ 5 ଥିଓରି ପଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିଛି ନ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୋଷେଇ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଠିକ୍ ଅଛି 10,000 ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ତ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ 10,000 ବହୁତ ଅଛି ଚାଲ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପୋଷଉନି ଏତିକି ଫ୍ଲେଭର କଲା ପରେ ପୋଷେଇବନି ତୁମକୁ ମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ପିଲା କହନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେନି ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଥରେ ଥରେ ଏହା ଲାଗେ ୟାର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଏଇଠି ସେ ବାଡ଼ି ସାର୍ ଠିକ୍ କହନ୍ତି ସାର୍ ଏଇଠି ଆଉ ପଢ଼େଇବାନି ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା ମୋତେ କେତେ ଥର ଡାକିଲେନି କି ସାର୍ ଆପଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଲିରେ କଥା ହେଇଛି ଆପଣ ପଳେଇ ଆପଣ ମୋର ପଳେଇ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବା ଡେଲିରେ ମିଳିଯିବ ନା ଡେଲିରେ ମିଳିଯିବ ଅପ୍ସନାଲ GS ମିଳିଯିବ ଆରାମସେ ପଳେଇବ କ'ଣ ଅଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଦାନ ଦେଉଛି 12 ଲକ୍ଷ ଜିପି ମଡ଼େଲ୍
इंडियन नॉलेज ना नॉलेज दिया जाऊ तल ये देखो तो एरिया कंसीडर ये सब तुम अजम्पशन तो कौन कहल तो ये दी जाता अजम्पशन ये तुमको अजम्पशन देखी दे अजम्पशन एक मिनट एक क्या देखी दे दी जाता अजम्पशन ये लिखे अजम्पशन अजम्पशन जमे अजम्पशन भी देखे थे अजम्पशन कौन लिखे जमी एरिया ये सब को बस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज यूनिफॉर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑल डायरेक्शन ये तो मुझे और सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रोज अच्छा ये अजम्पशन बुझे दिए आराम से बुझी हम कि लॉस कहीं आसाला काउंटर करी कौन काउंटर कला को एरिया काउंटर कला अजम्पशन देखा तो अजम्पशन फास्ट है कि द एरिया अंडर कंसीडरेशन should be extensive homogeneous plane jhaku kwaje isotropic plane hana isotropic plane ro artha kon equal chari ade equal plane isotropic plane ye bhi tumaro weber bhi same katha kahichanti then ethi kon na materials raw materials are distributed evenly chari ade unique hoch evenly hoch एमती ना कि फिक्सड लिखली लिख फिक्सड लिखले उल्टा इवेनली बुझे कि नहीं इवेनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन ना प्रोपोर्शनली इनक्रीज कर बुझे कि नहीं दैट मीन से कहते यूनिफॉर्म रही प्लस ये कहते प्रोपोर्शनली इन ऑल डायरेक्शन बढ़ले बढ़ जमी वेबर भी कहते तो आपको मन रखे वेबर भी कॉमन पॉइंट वेबर भी सेम कथा कहते अजम्पशन में मुझे कल कौन कहती रेलवे जब अधिक डिस्टेंस गले कमिजी कम डिस्टेंस गले अधिक टाँचा तो प्रोफेसनाली कम आसो ना सो पीपल ये भी होमोजेन लोक मान देख नॉलेज समान टेस्ट समान टेक्निकल स्किल समान होमोजेनेटिक रोक मैंने से जो प्लेन रोचे भी यूनिफॉर्म दैट मीन यहाँ गोटे इमाजिनरी स्टेट कौन मार्केट को अजम्पशन से वी अज्यूम दिस वुड बी देयर सो दैट यहाँ हम बुझे अजुम करजम्पशन देन फोर अजम्पशन नो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन ना कौन पर्चेसिंग पावर एपट सेपट हो समस्त यूनिफॉर्म इनकम यूनिफॉर्म पर्चेसिंग पावर सो दैट डिस्टेंस ए फैक्टर को आसो जहाँ अधिक टाँचा अच्छे ना डिस्टेंस किसी नुह से तो पैसा खर्च ले पलिब जदि समस्त सेम इनकम तेल डिस्टेंस को कैलकुलेट करवा ना तो डिस्टेंस किसी फैक्टर ही नुह बुझे तो सही आम देखा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन रहा इकोनॉमिकली समस्ते भी सेम पॉपुलेशन भी इवेनली रही ना कि गोटे जगह अधिक आठ लिखाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल नुह यहाँ गोटे एग्रीकल्चरल एरिया बुझे दिज आर द अजम्पशन से अजम्पशन को लेकिन थ्योरी बन कारण क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन रे कौन दरकार थिला थ्योरीज मॉडल है टू अचीव द होमोजेनिटी ऑफ इकोनॉमी विद इन द रीजन द थ्योरी रिक्वायर्ड मोर कंडीशन आउ किसी कंडीशन देखिए देख द एंटायर एरिया शुड इक्वली सर्व्ड बाय फैक्ट्रीज सब एरिया को फैक्ट्री दिखाई जमी आम हेक्सागन फॉर्मेशन कहीं नन ऑफ द रीजन शुड रिमेन अनसर्व्ड सब रीजन सर्व्ड हवा दरकार अनसर्व रही ना से हेक्सागन हम ना ओवरलैप कहीं भी रहा देर मस्ट बी कन्फर्मिटी है ना एंड रेंज दैट इज द व्हाट रेंज एंड द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट कम सब पाखर रहा दरकार लोकेशन ऑफ लोकेशन मस्ट बी सैटिस्फाई बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दि जन रहा दरकार ना एमती ना कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर बस ये कतेटा कंडीशन तक देखिए कौन फेजेस फेजेस फास्ट फेज रे गोटे मार्केट रोक
ତାପରେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ରେ ଆଗଲେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ପୁରା ହେକ୍ଜାଗନ୍ ହେଇଯିବ, ପୁରା ହେକ୍ଜାଗନ୍ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ରେ ପୁରା ହେକ୍ଜାଗନ୍ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ସିଟି ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଇଛି ମାର୍କେଟ୍ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ କେଟି ସେ ଆଜମ୍ପସନ୍ ପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ର ଫେଜ୍, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ର ଫେଜ୍, ତାପରେ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଏଇଟା ଚାଲିଲା, ତାପରେ ମେଜର୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଥିଓରି, ସପୋର୍ଟ ଦ ଥିଓରି, ତାପରେ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ, ସପୋର୍ଟ ଦ ଥିଓରି ଦେଖିଦିଅ କେତେଟା ମେରିଟ୍ସ ବା ମେରିଟ୍ସ ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ଲସ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ ଏ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମର୍ କ୍ୟାଓଟିକ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲୋକେସନ୍। ତ ଏଇଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ୱେବର୍ କହିଥିଲେ, ୱେବର୍ କହିବା କଥା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟ ବା ଡିମାଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ବା ଆମେ ଦେଖିବା ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ଲେବର୍ ଅନୁସାରେ କେଉଁଠି ବି ହେଇପାରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ହାବା ଜାର୍ନି କେଉଁଠି ବି ହେଇପାରିବ, ଇଏ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନା ନା ଯେଉଁଠି ଡିମାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଲା ଡିମାଣ୍ଡ। ହି ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡ଼ର୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲୋକେସନ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଡିମାଣ୍ଡ କଥାକୁ ଉଠେଇନଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ, ନା ବୁଝାପଡ଼ିଲ, ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଲୋକ କହିନଥିଲେ, ତାହେଲେ ଇଏ ପଜିଟିଭରେ ଯିବ। ଇଏ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କଲେ କାହା ଉପରେ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଉପରେ, ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଥା କହିନଥିଲେ, ଇଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଥା କହିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। ଦେନ୍ ଇଏ କ'ଣ କହିବେ, ସର୍କୁଲାର ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜି ଭାରିଏବଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ରୋଟେଟ୍ କରିଦେବ, ରୋଟେଟ୍ କରିଦେବ ନା କହିବ ସେ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଦ ଥିଓରି ଅଲ୍ସୋ ଫିଲୋସଫିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ମୋଟିଭ୍ ଦ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍, ଯାହା ବି ହେଇଛ, ତାପରେ ଆସିବ ତମର ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ବସିବ। ଆଗକୁ ପି ଡି ଏଫ୍ ଦେଇଦେବି ମୁଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଲେଖିବା, ପି ଡି ଏଫ୍ ହିଁ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ଇଧର ତୁମେ ସେ ଏଠି ନେଇଯିବ, ନହେଲେ ଏଇ ରେକର୍ଡିଂଟା ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା, ବାସ୍ ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଚାଲିଛି ନା 1 ଟା 20।